हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आज मैं आपको फ्रॉक की स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये इसके नीचे का फैब्रिक है जो कि हम नीचे चुंटे डालेंगे और यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। मैंने चोली में भी 3 प्लेट डालनी है, तो मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि 3 प्लेट कैसे डाली जाती हैं। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो ये मैं पहले चोली को तैयार करूंगी। तो चोली में हम पहले प्लेटें डालेंगे इस तरह से। ये मैंने प्लेटों के निशान दोनों साइड लगा रखे हैं, तो ये इनकी प्लेटें हम डाल लेंगे। इस तरह से उठाएंगे और इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम प्लेटें डालेंगे। ये मैंने एक प्लेट डाल ली है, तो ऐसे ही हम इस प्लेट दूसरे वाली प्लेट को भी डाल लेंगे। आपको भी इस फ्रॉक की कटिंग देखनी है तो ये कटिंग मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो भी देख सकते हो। तो ऐसे ही हम तीसरी प्लेट को भी डाल लेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर इन प्लेटों में मैंने गैप नहीं लिया है और इस प्लेट में हमें गैप रखना है। यहाँ से हम 1 इंच का गैप देंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ऐसे तिरछा लेके आएंगे। तो ये मैंने 3 प्लेट डाल ली हैं। ये इस तरह से मैंने दोनों साइड प्लेटें डाली हैं, ये देखिए। अब हम डालेंगे पहले चोली में चुंगट डालेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ से छोड़ देंगे 2-2 इंच, इस तरह से 2 से 2.5 इंच छोड़ देंगे। तो ये मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया है और इस साइड भी 2.25 इंच पे ही निशान लगा लें। जहाँ तक हमें ये हमारा जो बीच का है, ये हमारे कमर पर, यहाँ पर हमें प्लेटें डालनी हैं। तो इस तरह से हम इसमें प्लेटें डालेंगे। पहले हम चुल्ली को ऐसे रखेंगे और जो प्लेटे वाला फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर से उल्टा रखेंगे इस तरह से। तो हम ये यहाँ से, ये मैंने निशान लगाया है तो इस निशान से तक हम इसको ऐसे ही सिलेंगे बिल्कुल सीधा। तो ये निशान तक हमें ऐसे ही सिलना है। तो यहाँ तक ये मैंने ऐसे सिल लिया। अब हम इसमें चुंगट पाएंगे, इस तरह से चुंगट पानी स्टार्ट करेंगे। आप देख ले कि आपको पास पास पानी है या दूर दूर पानी है, क्योंकि जब आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आप पास पास ही पाएँ। ये मैं 1-1 इंच का गैप देकर चुंगटे डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम है। और इस तरह से हम चुंगट डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी लुक आएगी फ्रॉक की, इस तरह से। तो ज़्यादा क्या करते हैं कि पहले चुंगटे डाल लेते हैं तो फिर चोली पर अटैच करते हैं, ऐसा मत करना। ये ऐसे ही चुंगटे डालना। आपको जो ऐसे अंदाज़ा नहीं है कि कैसे चुंगटे डालनी है, तो 1-1 इंच पे या 2 इंच की डालनी है आपको, तो वहाँ पर पूरे फैब्रिक में आप निशान लगा लें 2-2 इंच का या 1-1 इंच का, जितनी भी आपको चोली डालनी है। निशान लगाने के बाद फिर आप वहीं से ही उठाकर अपने चुंगट डालते हैं, बिल्कुल एकदम से इक्वल चुंगटे आएंगी। तो ये देखिए, ये मैंने चुंगटे डाल दिए हैं और चुंगटे डालते वक्त नीचे से भी ध्यान रखा करें, कहीं हमारी चुंगटे 1-2 निकल ना जाए तो फिर हमें बार बार दिक्कत होएगी, तो खोलनी पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखें पहले ही। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया था
तो यहाँ तक हमें चुंगटी डालनी है, तो यहाँ से आगे तक हम प्लेन रखेंगे, तो इस तरह से। तो अब इसको ऐसे ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि चुंगटे डालने के बाद किस तरह से लुक आई है इसकी। तो ये देखिए, कुछ देखिए कितनी सफाई के साथ चुंगटे डाली हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। इस तरह से आप भी जिस तरह से ही चुंगटे डालोगे तो एकदम से इक्वल आएंगी। तो ये देखिए, तो ये यहाँ से और ये ऐसे चुंगटे डाली हुई। तो अब हम बनाएंगे इसके नेक को, कि ये नेक मैंने बनाना है इसमें कॉलर वाला। तो पहले हम इसको यहाँ से सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करने के बाद तो यहाँ से हम रखेंगे जैसे कि चेस्ट के हिसाब से हम चौड़ाई और लंबाई रखेंगे, जैसे कि नेक की चेस्ट। तो इसमें जैसे कि चेस्ट है 42 इंच, तो चेस्ट 42 इंच है, तो 42 को हम 12 से भाग देंगे तो होएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच आएगा, तो 3.5 हमें यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर मैं रखूँगी 3 इंच। तो जब हम यहाँ से कॉलर को अटैच करेंगे और नेक की पट्टी को लगाएंगे तो हमारा 3.5 इंच होएगा वो। तो यहाँ से चौड़ाई मैं रखूँगी नेक की 3 इंच इस तरह से, और लंबाई भी मैं 3 इंच ही रखूँगी। तो ये बनाना है हमें यहाँ पर राउंड कॉलर। तो यहाँ से इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे ऐसे, और यहाँ से हम देंगे इसमें हल्की सी इस तरह से गोलाई। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे कट। तो ये कट करने के बाद अब हमें इसमें पट्टी लगानी है, जो कि नीचे से ओपन रखेंगे या सेंटर से इस तरह से अच्छे से मिलाने से। पहले तो ऐसे मिलाने के बाद फिर हम यहीं से ही इस तरह से, या आप यहां से देख ले कि यहां से आपको कहाँ, यहां से मैं 6.5 इंच तक पट्टी को लगाऊंगी यहां तक। तो यहां तक मैं सेंटर से इसे कट कर लूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने यहां से कट कर लिया है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा ये मैंने ऊपर। तो इसमें लगाएंगे हम ये, जो कि इसके बॉटम की है, ये दो पट्टियाँ ली है मैंने। तो इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। तो एक्स्ट्रा पट्टी, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको हम अंदर की तरफ को ऐसे पलटेंगे। पट्टी को भी हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ से ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने इस तरह से दोनों पट्टी को अटैच कर लिया है, और अटैच करने के बाद इस तरह से मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसके बिल्कुल यहाँ पास में ही कट इस तरह से, और इस साइड भी ऐसे ही हम कट लगा लेंगे। ऊपर वाले फैब्रिक को हम कट नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा कट लगाना है ये इस तरह से। और कट लगाने के बाद अब हम इसको करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड। तो इस पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरह से इसी पट्टी के ऊपर सीधा रखेंगे ऐसे, कुछ इस तरह से आएगी। तो हमें ये यहाँ तक बंद रखनी है, तो हम इसके ऊपर से इस तरह से बंद रखेंगे और यहाँ तक ओपन रखेंगे इसको। तो मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा लेती हूँ, फिर हम करेंगे बैक पल्ले में भी पलेटे कैसे डालते हैं। ये मैंने गाइस पट्टी को अटैच कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ तक ये ओपन छोड़ दी है। यहाँ पर लगाएंगे हम बटन और कॉलर के साथ, बटन बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अब हम इसको बैक पल्ले को करेंगे अटैच। तो जैसे कि मैंने इसमें फ्रंट पल्ले में प्लेट डाली है, तो ऐसे ही मैंने बैक पल्ले को भी तैयार कर लिया है। ये देखिए,
ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने बैक पल्ले को भी ऐसे ही तैयार कर लिया है। और बैक पल्ले में मैंने 1 इंच की ऐसे छटाई की है, तो इस तरह से। तो पहले हम इसको करेंगे यहाँ से अटैच, ये देखिए, पहले हम इसकी कंधी को अटैच कर लेंगे यहाँ से। ये 1 इंच से यहाँ इस तरह से, ये मैंने राउंड कट किया जो 1 इंच डाउन, तो यहीं से ही रखेंगे हम कंधे को और यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये मैंने कर लिया कंधी को अटैच, और कंधी को अटैच करने के बाद अब हम लगाएंगे इसकी फिटिंग। तो फिटिंग के निशान मैंने पहले ही लगा रखे हैं। तो ये कैसे, ये देखिए, जब हम प्लेट वाला सूट बनाते हैं तो हम पहले ये जो ये निशान आपको नज़र आया है, तो ये निशान था मेरे फिटिंग का जो कि मैंने लगाया था कटिंग करते वक्त। तो अब हम मैंने इसमें डाली हैं प्लेटें, तो प्लेटें डालने के बाद ये देखिए यहाँ से 1 इंच और कमर से 1/2 इंच का गैप आया है। तो ये इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, एक बार प्लेटें डालने के बाद फिर से दोबारा से आप देख लिया करो कि आपकी कुर्ती का नाप सही है या नहीं, तो इस तरह से चेक कर लें। तो पहले हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे इस तरह से। कमर तक हम रखेंगे इसको फिटिंग में इस तरह से। यहाँ से हम नीचे से भी सिलाई से सिलाई इस तरह से मिला लेंगे, और इन प्लेटों जो ये प्लेट डाली है साइड वाली, इनको हम ऊपर की तरफ रखेंगे इसका मुंह इस तरह से। यहाँ तक हमने सिलना था ऐसे, अब यहाँ से हम करेंगे इसको तिरछा। ऊपर से हमारा था 2 इंच का गैप, तो यहाँ से हमें 1 इंच का गैप रखते हुए सिलना है। नीचे से कर लेंगे पक्का। तो ये मैंने एक साइड लगा ली है, तो दूसरी साइड में मैं ऐसे ही फिटिंग लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको फ्रॉक का प्रॉपर लुक दिखाती हूँ कि कैसा आया है। सो गाइस देखिए, स्टिच करने के बाद इस तरह से लुक आई है फ्रॉक की। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।